खबर गुजरात के केवड़िया से, जहां पर सरदार वल्लभ भाई पटेल को नमन करने के बाद पीएम मोदी ने देश में बांटने वाली जो राजनीति करने वाले हैं उन पर हमला बोला है। पीएम मोदी ने कहा कि देश को जात पात में बांटने की कोशिश हो रही है, कुछ लोग देश में अस्थिरता फैलाना चाहते हैं, एक है सेफ है बोलने से इन्हें दिक्कत है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ दिनों पहले जो सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान था बटेंगे तो कटेंगे वाला, उसी बयान के बाद उन्होंने ये भी कहा था कि अगर आप लोग बटेंगे तो दूसरे लोग जो है जो बांटने वाले हैं वो जश्न मनाएंगे, और ये बात उन्होंने दोहराई और कहा एक है सेफ है कहने से इन्हें दिक्कत है। पीएम मोदी का बांटने वालों पर ये बड़ा प्रहार है, बड़ा बयान, अराजकता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। साफ तौर पर प्रधानमंत्री ने एक बार फिर से इस बात का जिक्र किया, एक है सेफ है, और जात पात में बांटने की जो कोशिश हो रही है उस पर भी प्रहार किया प्रधानमंत्री ने। कुछ लोग जात पात के नाम पर बांटने की कोशिश कर रहे हैं, ये लोग जाति के नाम पर विभाजन चाहते हैं। बिहार पुलिस तीव्रता से आगे बढ़ते हुए जात पात के नाम पर विभाजन करने में जुटे हैं। इनके हर प्रयास का एक ही मकसद है, भारत का समाज कमजोर हो, भारत की एकता कमजोर हो। आज कोई अगर कह दें कि एक है तो सेफ है, तो ये लोग एक है तो सेफ है उसको भी गलत तरीके से परिभाषित करने में लगेंगे। जो लोग देश को तोड़ना चाहते हैं, जो लोग समाज को बांटना चाहते हैं, उन्हें देश की एकता अखर रही है। वहीं पीएम मोदी ने विरोधियों पर प्रहार करते हुए कहा कि देश में अस्थिरता फैलाने की साजिश हो रही है, कुछ लोग सेना में अलगाव पैदा करना चाहते हैं, ये भी कहा गया, वो नहीं चाहते भारत विकसित हो। कुछ ताकतें, कुछ विकृत विचार, कुछ विकृत मानसिकता है, कुछ ऐसी ताकतें बहुत परेशान है। भारत के भीतर और भारत के बाहर भी ऐसे लोग भारत में अस्थिरता, भारत में अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। निवेशकों में गलत संदेश जाए, भारत की नेगेटिव छवि उभरे, ये लोग भारत की सेनाओं तक को टारगेट करने में लगे हैं, मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन चलाए जा रहे हैं, सेनाओं में अलगाव पैदा करना चाहते हैं। तो आतंकवाद पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कड़ा और बड़ा प्रहार किया है। पीएम मोदी ने कहा कि जम्मू कश्मीर ने आतंकी एजेंडे को नकार दिया है, आतंक के आकाओं को छोड़ा नहीं जाएगा, अब आतंक के आकाओं को देश छोड़ना होगा। पीएम मोदी ने यह बात कही है। बीते 10 साल में भारत ने ऐसे अनेक मुद्दों का समाधान किया है जो राष्ट्रीय एकता के लिए खतरा थे। आज आतंकियों के आकाओं को पता है कि भारत को नुकसान पहुंचाया तो भारत उन्हें छोड़ेगा नहीं। जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 की दीवार, आर्टिकल 370 जो देश में दीवार बन के खड़ी थी, संविधान को यहां रोक देती थी, वहां के लोगों के अधिकारों से उनको वंचित रखती थी, वो धारा 370 को हमेशा हमेशा के लिए
जमीन में गाड़ दिया गया है। जीनी